हेलो दोस्तों, आई एम नितेश समादिया फ्रॉम चरगांव और हमारी टीम हो चुकी है तैयार चलने के लिए। ये है सुरेश जी, हैं ये साबिर जी, जी हैं पूरे साबिर जी, है कि नहीं है, अंदर बैठे हैं वो अपने बॉस और मंगल जी बैठ चुके हैं और चलते हैं, एंजॉय लेते हैं। आप कहाँ चलना है ये आगे पता चलेंगे, रास्ते में चलते जाएंगे, बातें करते जाएंगे और लाइफ का एंजॉय लेंगे। ओके बाय। मैं एक 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 पर तुझे पत्थर लगा दे, जो अपनी जाली के ऊपर तो डाल दी, उसके ऊपर जो जाली डली है फिर तो लगन लगाएंगे जाली, याद लगा दी कोई पत्थर सा ऐसे की लगा वो तो बढ़िया है। किचन पे चलती हूँ ना, इस साइड टोल है जी, है इस साइड है पेट्रोल पंप जी वाला, इतनी पी नहीं थी पर यार देखना है कभी। भाई जो डाल दियो, कितने का है? 2000 का। डीजल है, डीजल भैया, डीजल ना। हाँ जी, आ गई है पहुज नदी, ये आ चुकी है पहुज नदी, यही है वहाँ के पहाड़ और ये डिवाइडर। देखो नगर पालिका भी है मेरे सामने है ना, काय को लगती नहीं है कि नगर पालिका है, नगर परिषद है यहाँ पे, नगर परिषद की नगर पालिका, नगर परिषद तुम समझो कि मार्केट है, नगर पंचायत नहीं है ना एमपी में। अच्छा, नगर पंचायत नहीं है तो नगर परिषद बोला तुमको, सामने कहते हैं जाए जय जय मार्केट बनी जो जय नगर परिषद है, जा 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 जाए सामने लगी जो लेको कार्यालय नगर है जो अरे जो लिखी ऊपर लिखी जे और जे पहाड़ पे है ऊपर, कैसे होके जाना है उसी साइड हो जाते नहीं, यहाँ से चले जाएंगे ना, यहाँ से भी रास्ता, यहाँ से भी निकल जाएंगे, निकल जाएंगे मतलब यहाँ से बाजार पड़ता है थोड़ा, उधर से खाली मिलेगी। ओके निकल जाएंगे, चलो अपने कोई बताया कोई अच्छी ऊपर चढ़ाई है वहाँ पे गाड़ी नहीं जाएगी, चलिए चलिए भांडे के बाजार में लहसुन ले आ, प्याज ले आ, बहुत ले कौन सा मार्केट है पता नहीं है, गाड़ी तो घुसा दी हम लोगों ने, यहाँ हॉर्न बजाओ हॉर्न दादा, जवाब है अब यहाँ से गाड़ी हटा रहे हैं लोग, नहीं निकले महाराज नहीं निकले जो मामो घर है मैं, जो भैरव को जी का मंदिर है ठीक है, जो है कि, जो है गेट, ऐसे चलो बाय बाय, एक घर बंद दे दो, एक घर दे को सब मामा ही है, हाँ है इधर इधर, यहाँ से जा रहे सोन तलैया के लिए सीधा रास्ता है, ये मंदिर है, अब तो जाए गाड़ी तुम टेंशन ना, बस तुम कह रहे जावे नहीं निकला दिया नहीं निकल, गाड़ी रास्ते में लगी थी, गाड़ी हटा रहे हैं भाई साहब, गाड़ी बहुत भारी है निकल रही, लेकिन अब अभी साइड देखियो है जी चलिए आए नहीं पर रोड से देखते जब तक मैं तो देख सकता हूं बैठ रहा हूं, मैं तो सले अब जो अपाल मोसा लो भाई जाए मोसा लो जाए, मैं नहीं मैं की रास्ता है चढ़ाई, अब देख लो जाए चढ़ाई जाके, देखो जाए चढ़ाई पीछे बैठे हम लोग बस जी, बैठे कोने में साबिर बस, अब चलते हैं आगे, जहाज पे चढ़ा जाए तब भी चढ़े और गाड़ियां स्लिप करती में बहुत सोनो है या सोन करत जा, अच्छा तो कोई कार नहीं है, ये पहले सीसी रोड ही था, आज सीसी रोड यहाँ बन चुका है, बस यही तक गाड़ी अपनी चलेगी, पहले तो बस
यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और ये उतर रहे हैं सावर, सुरेश, मंगल और इस अभी तो आए, अभी अभी आगे चलना है यहाँ से, ठीक है। नीचे है भांडर का इलाका, वो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। अभी यहाँ का काम चल रहा है, निर्माण काम है। गाड़ी तो आती है ना, गाड़ी तो ये वाला क्या अंदर गया मंदिर के लाने, तालाब है कौन तले गया ना, हाँ ये रास्ता गया कौन तले गया लाने। और ये वाला नीचे वाला जी ये बाजार के लिए गया है, बाजार के लिए, बाजार के लिए। तो पहले यहाँ एक ही रास्ता था, सही है अली, कैसे हैं दीक्षित जी? वो सागर अली, हाँ सागर अली दीक्षित जी। और ये ककले की बोंड रही है का, दर्शन करना है उनके भी कुछ होंगे मुसलमान तो बहुत पुराना मंदिर बनवाया होगा, चलते हो देखते अंदर का नजारा लेते हैं। बड़े आदमी बड़े गेट से घुसेंगे, छोटे लोग छोटे गेट से घुसेंगे। पहले यहाँ कुछ नहीं था मालूम, और क्या पहाड़ के पत्थर बने थे, पत्थर खाली। यहाँ चल रहा है काम फर्नीचर का, टीम के मेंबर लोग। हाँ देखो पहले ये कुंड जो था इसकी आर है, इसके आसपास कुछ नहीं था जी, सब कच्चा था जो मालूम, आज ये पक्का पूरा ने बना दिया जी ये कुंड। ये कुंड सोन तलैया इसे कहते हैं, सोन तलैया भांडे की, ये भांडे की सोन तलैया जहाँ लोग कहते थे। ये पहले कुंड जो पहले बना हुआ था इसमें कोई भी ये पत्थर का काम नहीं था, पहले सीधा था, लेकिन अब इन सरकार ने जो भी है काम करके इसको बड़े सगे बना दिया। पहले ऐसे पहाड़ पर्वतों के आस पास ये कुंड बना हुआ है जी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ देखिए लग दे है, बहुत बड़ी मछली है, दो दिख रही है, देखो जी आगे, दो जी आगे, जी आगे, जी आगे, दो वो आगे, दो वो है, वो जो कितनी बड़ी मछली है, देख रही, दो जी आगे, जी आगे, दो दो। देख कितनी बड़ी मछली है, हाँ महाराज कह रहे जूते चप्पल उतार लीजिए, चलो हाँ ये उतार लो, ठीक है महाराज।
तो हम लोग चलें जूता चप्पल उतार लें यहाँ पे। ये हमने उतारी जूते है, नाथ है ना। हाँ भाई, तो लोग यहाँ नहाने भी आते हैं। नहीं नमकीन खा, नमकीन नहीं है अभी। हाँ थोड़ा भी चलेंगे, महाराज से पूछेंगे इसके बारे में, इसका कुछ इतिहास वगैरह मिल जाए अपन को। फिलहाल अभी तो मछलियों को दाना खिला रहे हैं। कोड़ार एमपी में। आगे और यहाँ गुरु जी निवास करते हैं, जो स्वामी जी या महाराज पुजारी जिसे कहते हैं, उनसे कुछ बात करते पूछेंगे इसके बारे में, इस ताल का तला का इतिहास क्या है सोनतलैया का, ठीक है ना। तो इसमें जो मछलियाँ पड़ी हैं वो तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, आपको दिख रही होंगी, देखो अलग दिख रही हैं वो, देखते हो पूछते रहा उनसे। और हमारे इस साइड बना है एक किला, किला है महल, महल है किला है, है? हाँ, लेकिन ये चबूतरा वगैरह बना रहे हैं हमें मालूम, पार्किंग बना रहे हैं। आप देखिए इसके पीछे जाके देखिए, हमारी टीम के सभी सदस्य हैं, उपेन जी, मंगल, सुरेश, साबिर अली जी, और पीछे कैमरा के रूप में हम। तो ये सोनतलैया के सामने का नज़ारा है, अभी इस पर काम चल रहा है, पीछे मज़ार बनी है वो अभी चल के देखेंगे। तो ये है पूरा सोनतलैया का नज़ारा, ये भांडरे में बीचों बीच बस्ती के बना हुआ है पूरा साइड में। आइए देखिए, इसमें अलग अलग इतिहास है, मान्यताएँ, कुछ इतिहास भी है जो भी सलामत है। ये कुछ पहचान, कुछ यादें महल की। यहाँ बन रहा है पार्किंग, ये पूरा बनने का चाहिए, यहाँ पार्क बीच बन जाएगा ये घूम टहलने के लिए। पीछे यहाँ पे फूल वगैरह लग जाएंगे, गार्डन टाइप का ये चल रहा है इसमें काम। पहले जब हम आए थे यहाँ कुछ नहीं था, अब तो काफ़ी काम हो चुका है यहाँ पे, और चल भी रहा है अभी, लोग आते भी घूमने के लिए, सैलानी लोग वहाँ पे घूमने लिए आते हैं, तो इसीलिए इनने थोड़ा रेनो से काम चल रहा है। हमारे सामने भांडर का नज़ारा, जो बस्ती बसी हुई है भांडर की, ठीक है, ये पूरी बस्ती भांडर जो यहाँ से बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, छोटे छोटे मकान कस्बे के रूप में दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, सही है, तो बनाए गए थे पहले यहीं से, कले कले देखा तो सब देखा हो रहा था। लोग आते हैं अभी मकर संक्रांति का दिन है, ठीक है, लोग आ रहे हैं घूमने के लिए बाइक से बच्चों के साथ में, और यहाँ काम भी चल रहा है रेनोवेशन का। पत्थर देखो कैसे रखे हैं, पत्थर की तो नक्काशी अलग है, देखने वो ही तो देखने लायक है, पत्थर की जो नक्काशी है कैसे कहते हैं, ये लुड़िया से उठा के आदमी ये खटोरी कर दी, वैसे पत्थर टिके देखो सालों को जो सालों खटोरी की दुबाड़ी है। हाँ सेम भाई ऐसी है। चुकी है रील मिल बन चुकी है फिलहाल, तो अब चलते हैं वहाँ पे टोरिया पर, वहाँ पे पहाड़ों पर वहाँ चलेंगे, वो थोड़ा एंजॉय करेंगे। तुमने वो वाला रील कौन सी बनाई थी, लोगों ने रील बनाई है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी फिलहाल देखने के लिए। कुछ भाई लोग भी आए हैं मिलने के लिए फिलहाल, तो उनसे हमारा परिचय हो चुका है। तो यहाँ कुछ और है घूमने के लिए,
वो तो मजा आ रहा है, वो जा रहे अभी। और कुछ तो भैया बोल रहा है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ चल के देखेंगे फिलहाल। और कुछ और कुछ नहीं है यहाँ पे। कितनी दूर है यहाँ से? सर से रोड पर 2 किलोमीटर। तो चक्के मिले चले तुम्हारे मंगल भाई साहब फिलहाल एकदम फिट है, आप समझ चुके हैं एकदम फिट है, ठीक है। देखिए ये लोग सेल्फी बना रहे हैं एक रील टाइप की, ये अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे उपेन जी। और क्या ये बोल रहे हैं, 2 मिनट में अच्छे खासे चुप करा देते हैं, डायलॉग हो गया है। हाँ नीचे करना जा रहा, ये पूरा लोकेशन है सोन तलैया के ऊपर का, और कैमरे के पीछे हैं हम, और ये बैठे हैं मंगल भाई साहब जो इस समय फिल्म की शूटिंग कर रहा है फिलहाल एक लोकेशन की तरह, और वो है सावे ली जी, और ऊपर जा रहा है सुरेश। ये वो पीछे हमारे हैं उपेन महाराज जी, ये पूरा लाइफ का मजा ले रहे हैं। घरों में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, घर से निकल नहीं पाते हैं, चाची डांटती है, भाभी डांटती है, वहाँ से भाभी डांटती है, बहुत जिंदगी परेशान है। तो आज संडे के दिन सभी लोग इंजॉय करने आते हैं, घूम भी लिया। आगे एक हनुमान जी का मंदिर है जहाँ लोग जा रहे हैं, और हम लोग चल रहे हैं फिलहाल ऊपर। जिंदगी की चढ़ाई बहुत लंबी है, इसीलिए हम भी थोड़ा ऊँच चढ़ाई पर चल रहे हैं, और चलते हैं थोड़ा और मज़ा लेते हैं और जीते हैं। मंगल भाई साहब आ रहे, एक एक करके सभी लोग पहुंच रहे हैं ऊपर, और पीछे से जा रहे हैं हम भी। चलें कहां लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़कर, ये देखिए ये बनी ये मजार। सावर जी आगे पहुंच गए, ये मंगल जी पहुंच रहे हैं, ये सुरेश खड़े हैं ऊपर, हाय हाय कह रहे हैं, हाय हाय। पतली कमरिया मोरी आए हाय हैं, और तिरछी नजरिया मोरी आए हाय। और सावर जी कुछ बता रहे हैं पहाड़ों के बारे में, ये देखिए हैं, ये किसने रखा होगा इतने बाहुबलियाँ के पहाड़ उठा के रख दिया। ये देखिए पूरा पहाड़ नीचे से अलग है फिलहाल, ये रखा हुआ है पूरा पहाड़ कई टन का होगा ये फिलहाल, इसको उठा के कहीं रखा है बस खाली, ये रखा हुआ है पहाड़ों के ऊपर पहाड़ जी। देखिए कई टन का फिलहाल है ये, हाँ कई टन का पहाड़ है ये देखिए पीछे का नज़ारा जहाँ से हम आए चढ़कर। यही लोकेशन जो है सृष्टि में है, लेकिन देखने को बहुत कम लोग मिलते हैं, चल नहीं पाते हैं। अब चलते हैं इसके ऊपर, आप चढ़ो फिर हमारा हाथ पकड़ना जरा भैया, हाओ चलो भैया हम भी चढ़ गए ऊपर। पतली कमरिया मोरी आए खाए, तिरछी नजरिया मोरी आए। ओ ये देखिए किस तरह एक पहाड़ के ऊपर पहाड़ रखा हुआ है, जैसे कोई ने गोटी उठा के रख दी है, जो नदियों में जो होती है, देखिए नदियों में गोटी निकलती छोटी छोटी रख दी है, ये देखिए खड़े हुए हैं देखो, हाँ एक के ऊपर एक रखा है बस खाली, ये रखा है देखिए, इसके बाद ये रखा है, चट्टान ये टुकड़े रख देते बड़े बड़े। ये भी देखिए ये भी पहाड़ एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है फिलहाल, जिसके ऊपर एक ऊपर उनने उठा के रख दिया वहाँ पे सारा कुछ। ये भी देखिए, ये देखिए सुलाक है इसमें अंदर, पहले सीधा था जी, हाँ पहले सीधा था, हाँ अब जो इसमें सुलाक है, सुलाक हो गया है, हवा सीधा था, पानी भरा हुआ नहीं, इसमें हवा की कटान वगैरह होगी इसमें हो गया, वो पहले सीधा था, अब हाँ। टेढ़ा हो गया, कच्ची हो गया कुछ सदियों पहले, हमें चढ़ना है।
और ये पहाड़ देखिए कितनी इंची पे रखा है, देख कितने इंची पर पहाड़ रखा हुआ हुआ नीचे देखो कितनी टोन के नीचे इस पे टिका हुआ है। कहाँ से आ रही रख गए रखे हुए हैं क्या अपने आप रख गए हैं? यहाँ बड़ी प्यारी बहुत हवा आ रही है, सुहानी सुहानी एकदम ठंडी ठंडी। और फिलहाल ये पहाड़ों का नज़ारा देखिए, सूर्य जी कहाँ खड़े हैं ऊपर, फिल्म की शूटिंग चल रही है ठीक है। और अभी फिलहाल हम बहुत ऊपर आ गए, ये देखिए आप पीछे देखिए बहुत ऊपर आ गए हैं। भांडर से तकरीबन होंगे अपन 200 मीटर ऊपर, क्योंकि इतने छोटे छोटे मकान जो दिख रहे हैं। और ये नदी कौन सी नदी, पाहू पाहू नदी है ये देखिए आप, कई टन पहाड़ जो ऊपर रखे है। एक और लोकेशन आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए ये देखिए सुंदर नज़ारा, ये सुंदर नज़ारा देखिए, ग्रीन येलो और नदी का किनारा। ये पता ये पुल कौन सा का मालूम, मोठ को का मोठ वाला पुल है ना, मोठ वाला पुल जो यहाँ से निकल के बस्ती से गया है, यहाँ से मोठ पहुँच जाते हैं, मोठ से होते हुए चले जाते हैं। हाँ बहुत ही प्यारा लोकेशन लगता है यहाँ पे। उपेन्द्र भैया कुछ डायलॉग बता रहे हैं, क्या डायलॉग भाई साहब? नहीं बोलो बोलो, वो बोल रहे हैं इलाका तो कुत्तों का होता है और शेरों का तो साम्राज्य होता है, वो घूम घूम बता रहे हैं। फिर ये डायलॉग बहुत मस्त है कि इलाका तो कुत्तों का होता है, शेरों का तो साम्राज्य होता है। फिलहाल हम कूद चुके हैं, ऊपर से नीचे आ चुके हैं, अब चलते हैं दूसरी साइड, अब चलते हैं घर। ये आ रहे हैं दो बलशाली महामारथी, एक बाहुबली के रूप में थे फिल्म की शूटिंग में उस समय, फिलहाल उन्होंने अभी निकाल दिया है, पता नहीं ये क्या बोलते रहे थे, समझ में नहीं आती भाषा। ये चाइना के जो इंडिया में आ चुके हैं, पता नहीं भाषा क्या बोलते हैं, जापानीज है, ताइवान है, चाइना है, चौं चौं है, माऊ माऊ है, क्या है पता नहीं फिलहाल, लेकिन कॉमेडी के रूप आजकल रील में बहुत अच्छा गाना चल रहा है, पतली कमरिया मोरी आए हाय, ठीक है ये रील की बहुत शूटिंग की है। काला पत्थर, लाल पत्थर, सफेद पत्थर, बालू से बनता है ये। हाँ बालू, हाँ बालू इससे बनती है, हाओ गलत हाओ बालू बनत, कच्चे पत्थर जो तो कच्चे पत्थर जी, कच्चे पत्थर जो ही है, हाँ किधर चल रही वो, सही बात है। अब चलते हैं वापस अपने घर की ओर, क्योंकि समय हो चुका है बहुत, नहीं तो पिताजी मारेंगे जूते और कर देंगे राइट। वो कहेंगे सारे बहुत ब्लॉग बना रहे हो, तुम्हें को बना देंगे हम, उठा के भटपट गएंगे और तुम्हें ब्लॉग के रूप में तुम्हें तैयार कर देंगे। सुभैया हम बन जाए ब्लॉग, सुभैया हम चल रहे घर है, सो हम चल रहे आप घर है, बहुत हो गई, बहुत घूम लो ठीक है, अब चल रहे हम घर है। हमारे चारों सदस्य पूरे होंगे, क्या चाची गुस्सा होंगे, सो मंगल भाई साहब, भाभी गुस्सा होंगे, साहिर भाई साहब, दीदी गुस्सा होंगे, सो उपेंद्र जी, और ये वे जीजा गुस्सा होंगे, उनके सारे गुस्सा होंगे, सो जीजा भी संगे हैं सुरेश को, चारों के चारों ले आए थे चारों वापस, और देखो जब मुस्कुरा रहे हैं, आए थे जान नहीं आए थे, चला पी हमने तो मनाने आए मकर संक्रांति की, यहाँ का लोग काफी आते जाते रहे सोमतलाई का मजा लेने के लिए।
फिलहाल आप सभी से मेरा निवेदन है कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। तो फिलहाल ये चल रहा है मकर संक्रांति की सेल्फी पॉइंट वगैरह फोटो वगैरह खींच रही है, फोटो वगैरह खींच रही है। ये त्यौहार का पूरा नज़ारा है, लोग आते हैं देखते हैं संत लैया को। बस निवेदन ये है कि मेरी वीडियो बहुत मेहनत से बनती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी वीडियो आपको दिखाएं। बस और ओपन जी मेरी वीडियो पता नहीं क्यों चढ़ते हैं, तो मुझे बार बार दम देते हैं कि सब्सक्राइब की बातें ना करें। और यहाँ चल रहा है कुछ कारीगरी का काम, देखिए क्या बना रहे भाई साहब। है दीवान ईश्वर के लिए कि महाराज के लिए? है अच्छा आपके लिए, ईश्वर के लिए। अच्छा अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ब्लॉग हमारा पूरा हो चुका है, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, ठीक है। फिलहाल ये मेरा ब्लॉग जरूर देखें पूरा, ये ब्लॉग जो बनते हैं वो लंबे बनते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो अब मेरी ये गाड़ी इसी चलेंगे वापस पुनः अपने चिड़गांव की ओर जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी टीम तैयार है हमारी चलने के लिए और यहाँ लोग आते जाते घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। हम कर रहे हैं शूटिंग, आप कहाँ रहते? हाँ हजारी मोहल्ले में। अच्छा चलते हैं बस अपने घर की ओर। एक करके बैठते जा रहे हैं सभी लोग, चलेंगे वापस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ चढ़ने के बाद जब उतरते हैं तो वहाँ का नज़ारा, गाड़ी एकदम ऊंची उठी हुई है जैसे कोई गिरने वाला हो सड़क से नीचे। ये देखिए पूरा बच्चे खड़े हैं।